हेलो गाइस, स्टोरी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो पर लाइक और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक साइंटिस्ट जो कि स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, उसका नाम सेबेस्टियन था। वो कई सालों से एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। वो एक ऐसी मेडिसिन बनाने में कामयाब हो जाते हैं जिससे कि ह्यूमन और एनिमल्स इनविजिबल हो जाए, लेकिन वो एक ऐसी मेडिसिन बनाने में नाकामयाब हो जाता है जिससे कि इनविजिबल हुई चीजें वापस दोबारा से आ सके। पिछले एक साल से वो इस प्रोजेक्ट पर बड़ी मेहनत से काम कर रहा था। वो ये मेडिसिन इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि वो काफी जानवरों को गायब कर चुका था और वो उन्हें वापस लाना चाहता था। और कुछ सालों की मेहनत के बाद उसको अपनी मेहनत का फल मिल जाता है, उसे एक बड़ी कामयाबी मिलती है, मतलब वो इनविजिबल को विजिबल करने वाली मेडिसिन बना लेता है। अब वो इस कामयाबी को अपने लैब के बचे हुए साइंटिस्ट को बताता है और उन्हें लैब में आने के लिए कहता है। दरअसल सेबेस्टियन अपनी मेडिसिन से एक गोरिल्ला को अपने लैब में इनविजिबल कर चुका था। वे लोग बड़ी मुश्किल से गोरिल्ला को बेहोश कर देते हैं और बेहोश करने के बाद उस गोरिल्ला को बेड पर लेटा दिया जाता है और उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं और वे लोग गोरिल्ला को सेबेस्टियन की बनाई हुई मेडिसिन दे देते हैं और इसकी वजह से गोरिल्ला की हार्ट बीट तेज होने लगती है। अब उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि अब वो नहीं बच पाएगा, लेकिन वो सभी साइंटिस्ट उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। वे उसके हार्ट को शॉक देते हैं जिससे कि उसकी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता गोरिल्ला अपनी बॉडी शेप में आ रहा था और कुछ समय बाद वो पूरा विजिबल हो जाता है। और यह सब देखकर साइंटिस्ट काफी खुश होते हैं क्योंकि उन्हें अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाबी मिल जाती है। और बाद में ये पता चलता है कि ये सारी रिसर्च मिलिट्री के लिए हो रही थी। अब उन सभी साइंटिस्ट की मीटिंग मिलिट्री से होती है और मीटिंग में सेबेस्टियन झूठ बोल देता है कि उसे अपने एक्सपेरिमेंट में सक्सेस नहीं मिला और अब वो इस एक्सपेरिमेंट के लिए मिलिट्री से कुछ और समय मांगता है, लेकिन मिलिट्री उससे कहती है कि तुम पहले ही काफी समय बर्बाद कर चुके हो, अब जल्द से जल्द अगर तुमने इस रिसर्च का कोई रिजल्ट नहीं दिया तो हम तुम्हारी रिप्लेसमेंट में किसी और को ले आएंगे। मीटिंग खत्म होने के बाद सेबेस्टियन के फ्रेंड उससे पूछते हैं कि तुमने मीटिंग में झूठ क्यों बोला कि तुम्हें सक्सेस नहीं मिली, तो फिर सेबेस्टियन कहता है कि पहले मैं इसको किसी इंसान पर चेक करना चाहता हूँ और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि खुद सेबेस्टियन ही होता है। और अब सेबेस्टियन अपने सभी लैब मेंबर्स के साथ मीटिंग करता है और वो उनसे भी झूठ बोल देता है कि उसे ये मेडिसिन इंसानों पर ट्राई करने की परमिशन मिल चुकी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और सेबेस्टियन के इस झूठ में उसके फ्रेंड्स लिंडा और मैथ्यू भी उसका साथ दे देते हैं और अब सेबेस्टियन इनविजिबल होने वाली मेडिसिन अपनी बॉडी में इंजेक्ट करवाता है जिसके कारण उसे काफी पेन भी होता है, लेकिन अब वो धीरे धीरे इनविजिबल होने लगता है और पूरी तरह से गायब हो जाता है और इसके साथ ही वो बेहोश भी हो जाता है और होश आने में उसे लगभग 17 घंटे लग जाते हैं। और उसे होश आते ही उसका बॉडी चेकअप किया जाता है जिसमें कि पता चलता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल है। अब सेबेस्टियन को इनविजिबल हुए 3 दिन हो चुके थे और अब उसका विजिबल होने का समय आ गया था, यानी उसको उसकी बॉडी में वापिस लाने का समय आ गया था। और अब वे सेबेस्टियन को विजिबल होने वाली मेडिसिन दे देते हैं जिससे कि सेबेस्टियन को काफी पेन होता है, लेकिन घबराने वाली बात ये थी कि उस मेडिसिन से सेबेस्टियन पूरी तरह विजिबल नहीं हो पा रहा था और अब उसकी हालत काफी नाजुक हो चुकी थी, लेकिन कुछ समय बाद उसकी बॉडी नॉर्मल हो जाती है और वे सभी साइंटिस्ट उसे एक मास्क पहना देते हैं जिससे कि वो सभी उसे देख सके, लेकिन इसकी वजह से सेबेस्टियन काफी नाराज हो जाता है। नाराज होने के कारण सेबेस्टियन की मैथ्यू से बहस होने लगती है। सेबेस्टियन मैथ्यू पे काफी शाउट करता है, वो कहता है कि इन 10 दिनों में जितना पेन तुमने मुझे दिया है ये केवल मैं ही महसूस कर सकता हूँ। अब सेबेस्टियन विजिबल नहीं हो पा रहा था जिससे उसकी दिमागी हालत भी नाजुक हो चुकी थी। सेबेस्टियन काफी दिनों से इनविजिबल था जिसके कारण उसे काफी घुटन हो रही थी और वो बहुत परेशान भी था, लेकिन तंग आकर सेबेस्टियन एक दिन लैब से भाग जाता है। लैब से भागकर सेबेस्टियन अपने घर पहुंच जाता है और उसके पीछे पीछे लिंडा भी उसके घर चली जाती है। घर जाकर वो देखती है कि वहाँ सेबेस्टियन का मास्क पड़ा हुआ था। वो लैब में जाकर सभी साइंटिस्ट को ये सब बताती है और कहती है कि अब सेबेस्टियन हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है।
वे सभी साइंटिस्ट सेबास्टियन के बारे में बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी सेबास्टियन वहां आ जाता है। लिंडा उसे वार्न करते हुए कहती है कि अगर तुमने आज के बाद ऐसे किया तो वो मिलिट्री से उसकी शिकायत कर देगी, और सेबास्टियन भी उसकी बातों से एग्री हो जाता है। लेकिन उन सभी को अब भी डर था क्योंकि सेबास्टियन दिमागी तौर से काफी अजीब था, इसलिए वे सब डिसाइड करते हैं कि वे 2400 घंटे सेबास्टियन पर नजर रखेंगे। वैसे तो सेबास्टियन इनविजिबल था, लेकिन उस लैब में एक थर्मल कैमरा होता है जिससे कि सेबास्टियन पर नजर रखी जा रही थी, और इस बात को सेबास्टियन काफी अच्छे से जानता था, इसलिए वो कैमरे के साथ छेड़खानी करता है और पुरानी रिकॉर्डिंग चला देता है और लैब से निकलकर भाग जाता है। दूसरी तरफ लिंडा लैब में फोन करती है और सेबास्टियन के बारे में पूछती है। लैब में मौजूद आदमी लिंडा को बताता है कि सेबास्टियन अब भी वही है, क्योंकि वहाँ पुरानी वीडियो फुटेज चल रही थी जिसमें सेबास्टियन बेड पे लेटा हुआ था, लेकिन असलियत में सेबास्टियन वहाँ नहीं होता। और जब सेबास्टियन लैब में वापिस आता है तब वो बहुत गुस्से में होता है और गुस्से में वो लैब में एक डॉग को मार देता है। नेक्स्ट डे जब एनिमल डॉक्टर एनिमल्स को लैब में खाना देने के लिए जाती है तो वो देखती है कि डॉग वहाँ पर मरा हुआ था। वो इस बारे में सेबास्टियन से पूछती है कि क्या इस डॉग को तुमने मारा है, तो सेबास्टियन कहता है कि मैं इस मामले में कुछ नहीं जानता। तो ये कंफर्म करने के लिए वे सारी वीडियो फुटेज चेक करते हैं जिनमें उसे कुछ नहीं मिलता। उसी रात सेबास्टियन लिंडा के घर जाता है, तभी लिंडा को उसके वहाँ होने का एहसास होता है। उसे शक होता है कि कोई न कोई उसके पास जरूर है, इसलिए वो चेक करने के लिए खुद लैब में जाती है और वीडियो फुटेज देखती है, तो वो समझ जाती है कि सेबास्टियन ने कैमरे के साथ कुछ छेड़खानी की है, क्योंकि सेबास्टियन ने उसमें पुरानी वीडियो फुटेज चला रखी थी। और जब वो सेबास्टियन को देखने के लिए जाती है तो उसे सेबास्टियन वहाँ नहीं मिलता। अब लिंडा डिसाइड करती है कि वो ये सब बातें अपने सीनियर डॉक्टर को बता देगी। मैथ्यू और लिंडा जब सीनियर डॉक्टर को ये सारी बातें बता देते हैं तब वो बहुत गुस्सा होते हैं और उन्हें इस प्रोजेक्ट से निकाल देते हैं। उनके वहाँ से जाते ही सीनियर डॉक्टर अपने साथियों को भी सेबास्टियन के बारे में बताते हैं, लेकिन उनका अचानक से फोन डेड हो जाता है और उसी वक्त सेबास्टियन वहाँ पहुँच जाता है और सीनियर डॉक्टर को पानी में डबोकर मार देता है। नेक्स्ट डे सेबास्टियन लैब में आ जाता है, तभी लिंडा को सीनियर डॉक्टर के मरने की खबर पता चलती है और वो इससे काफी घबरा जाती है। तब लिंडा डिसाइड करती है कि वो सेबास्टियन के इनविजिबल होने की सभी को बता देगी, क्योंकि सेबास्टियन इनविजिबल है ये सब सिर्फ लैब में मौजूद साइंटिस्ट ही जानते थे। और अब वो सेबास्टियन के बारे में सभी को बताने के लिए कॉल करती है, लेकिन तभी उसका टेलीफोन भी डेड हो जाता है और तब वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ के सभी डोर नहीं खुल पाते क्योंकि सेबास्टियन ने वहाँ के सभी डोर्स के कोड इनएक्टिव कर दिए थे और वहाँ पर सिर्फ सेबास्टियन का कोड ही एक्टिव था। और अब वे सब डिसाइड करते हैं कि कुछ भी हो जाए वे सेबास्टियन को पकड़ कर रहेंगे, क्योंकि सेबास्टियन अब भी लैब में ही था। तब उनमें से एक लड़की लैब में वापस जाती है क्योंकि उसका कुछ सामान वहाँ पर रह गया था, लेकिन उसी वक्त सेबास्टियन वहाँ आ जाता है और वो उसे मार डालता है। अब वो सब ये समझ चुके थे कि अब सेबास्टियन एक एक कर उन सबको मार देगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी को भी उसकी रियलिटी का पता चले कि वो इनविजिबल है। लिंडा सेबास्टियन की लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिश करती है और वो उसमें कामयाब भी हो जाती है। और तभी लैब से दो मेंबर सेबास्टियन को पकड़ने के लिए जाते हैं, उनमें से एक मैथ्यू और एक उसका फ्रेंड होता है, और वहाँ सेबास्टियन उन दोनों पर हमला कर देता है जिससे मैथ्यू के फ्रेंड का काफी खून बहने लगता है। मैथ्यू सेबास्टियन पे हमला भी करता है लेकिन सेबास्टियन को उसकी गोली नहीं लग पाती और तभी सेबास्टियन वहाँ से भाग जाता है। मैथ्यू जब अपने फ्रेंड को देखने के लिए जाता है तब उसके फ्रेंड का काफी खून बह चुका था, तो लिंडा अपनी फ्रेंड को ब्लड लेने के लिए लैब में भेजती है। लिंडा की फ्रेंड जब ब्लड लेने के लिए जा रही होती है तो तभी सेबास्टियन वहाँ पहुँच जाता है और वो उस लड़की को भी मार डालता है, और इतनी ही देर में मैथ्यू का फ्रेंड भी मर जाता है। अब वहाँ केवल तीन लोग बचे थे जिनमें की एक लिंडा, मैथ्यू और उनका एक फ्रेंड होता है, और अब वे लिंडा की फ्रेंड को ढूंढते हैं जो की ब्लड लेने के लिए गयी थी। उन्हें उसकी डेड बॉडी एक फ्रीजर में मिलती है। लिंडा और मैथ्यू के अलावा जो सर्वाइवल मौजूद था सेबास्टियन वहाँ आकर उसे भी लोहे की रोड से मार डालता है। और जब मैथ्यू अपने फ्रेंड को बचाने के लिए जाता है तब सेबास्टियन मैथ्यू को भी इंजर्ड कर देता है। सेबास्टियन लिंडा और मैथ्यू को फ्रीजर में बंद कर देता है और उस फ्रीजर को ऑन कर देता है क्योंकि वो उन्हें कोल्डनेस की वजह से मारना
होता जाता था और फ्रीजर का टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होता जा रहा था और तभी सेबेस्टियन वहाँ से चला जाता है। लिंडा फ्रीजर के दरवाजे को तोड़ने की पूरी कोशिश करती है लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाती और दूसरी तरफ सेबेस्टियन पूरी तरह रेडी होकर एक केमिकल की हेल्प से बॉम्ब बनाता है और उस बॉम्ब का टाइम सेट कर वहाँ से चला जाता है। और अब लिंडा भी मैग्नेट का यूज करके फ्रीजर का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है और दरवाजा खुल जाता है। लिंडा मैथ्यू की बॉडी को फ्रीजर से बाहर निकाल लेती है और वो मैथ्यू की बॉडी के पास आग जला देती है क्योंकि मैथ्यू की बॉडी काफी ठंडी हो चुकी थी। लिंडा अब उस जगह जाती है जहाँ सेबेस्टियन होता है। दरअसल सेबेस्टियन लिफ्ट में होता है और जब लिफ्ट बंद होने ही वाली थी लिंडा वहाँ पर पहुँच जाती है। लिंडा के हाथ में एक गैस सिलेंडर था जिसे जलाकर वो सेबेस्टियन को भी जला देती है। सेबेस्टियन अब काफी नाराज और गुस्से में था इसलिए वो लिंडा से अपना रिवेंज लेना चाहता था और वो उसे भी अपने साथ मारना चाहता था। और तभी लिंडा आग बुझाने वाले पाइप को ऑन कर देती है जिससे पानी गिरने लगता है और अब सेबेस्टियन हल्का हल्का दिखने लगा था। सेबेस्टियन लिंडा पर हमला कर देता है। लिंडा की गर्दन पर सेबेस्टियन पैर रख उसका दम घोटता है और तभी वहाँ पर मैथ्यू आ जाता है। मैथ्यू के हाथ में लोहे की रोड होती है जिससे वो सेबेस्टियन पर हमला करता है। सेबेस्टियन बेहोश होकर गिर जाता है और तभी लिंडा और मैथ्यू वहाँ से चले जाते हैं। अब लिंडा और मैथ्यू वहाँ जाते हैं जहाँ सेबेस्टियन ने बॉम्ब सेट किया था। वो उसे रिफ्यूज करने की कोशिश करते हैं लेकिन नाकामयाब हो जाते हैं इसलिए वो बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हैं और इमरजेंसी एग्जिट का यूज करते हैं जो कि लिफ्ट के साथ में था। वे उससे ऊपर चढ़ते हैं कि तभी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और सेबेस्टियन वहाँ आकर लिंडा का पैर खींचने लगता है क्योंकि सेबेस्टियन अभी जिंदा था। और ये सब देखकर मैथ्यू लिंडा की हेल्प करने के लिए आता है और जब तक वो वहाँ आता सेबेस्टियन लिंडा को लेकर लिफ्ट में आ जाता है। जब वे लिफ्ट में होते हैं तो लिंडा लिफ्ट में लगी वायर जिससे कि लिफ्ट ऊपर नीचे होती है उसे पकड़ लेती है और एक बटन को प्रेस कर देती है जिससे लिफ्ट नीचे की ओर चली जाती है और लिफ्ट के साथ साथ सेबेस्टियन भी नीचे चला जाता है और मर जाता है। और यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो पर लाइक और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा।